एवरीवन, टुडे आई डिस्कस अबाउट गैलीलियो ऑब्जर्वेशंस। दिस इज़ द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पहले उन्होंने कोशिश किया था लॉज ऑफ मोशन देने का। मतलब ये गैलीलियो जो है, हमारा साइंटिस्ट का नाम है पूरा गैलीलियो गैलीली, और इन्होंने मतलब न्यूटन्स लॉ जो आज हमारा हम लोग तीन टोटल थ्री लॉज पढ़ते हैं, उनसे पहले इन्होंने उस लॉ को देने की कोशिश की थी। बट इनका क्या था, इनका थ्योरी जो था वो थ्योरेटिकल था, ये मैथमेटिकल नहीं था। बट न्यूटन ने इसके बाद आकर के इन्हीं के थ्योरी को आगे बढ़ाया था, जो गैलीलियो ने ऑब्जर्व करके हमको थ्योरेटिकली बताया, और उसी को मतलब वो तीन पार्ट में डिवाइड करके हमको बता दिए। तो इनका क्या थ्योरी है, उसी को हम लोग आज ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो, कुछ इस टाइप से ऑब्जर्वेशन है इनका। सबसे पहले क्या किए इन्होंने, कुछ इस टाइप से इंक्लाइन पाथ को लिए, जिसमें दोनों साइड का हाइट सेम रखे, दोनों साइड का हाइट जो था वो सेम था। तो क्या किया, एक बॉल को लिया, बॉल को लेकर के यहाँ से मतलब देखो दोनों का एंगल भी सेम रखा गया है, मतलब कुछ टाइप का शेप बनाया, मतलब कर्व पाथ को, एक ट्रैक को बनाया गया, जहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस मतलब वहाँ पे कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट नहीं हो रहा है। तो क्या किया कि इस हाइट से एक बॉल को यहाँ से छोड़ रहा है, इस बॉल को यदि यहाँ से छोड़ रहा है तो क्या वहाँ पे देखा हो कि बॉल जो है जितना हाइट पे था स्टार्टिंग में, उतना ही हाइट को यहाँ से आया मूव करते करते, और उतना ही हाइट को फिर से अटेन कर ले रहा था। उनका ऑब्जर्वेशन है ये, वो कुछ इस टाइप से थ्योरेटिकली ऑब्जर्व किए कि बॉल जो है एक्चुअली क्या हो रहा है, बॉल में बॉल के साथ हो क्या रहा है। यहाँ से स्टार्ट बॉल जब स्टार्ट कर रहा है तो बॉल क्या है, रेस्ट में है। फिर यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, मतलब वेलोसिटीज़ का, यहाँ से देखो वेलोसिटीज़ का धीरे धीरे इंक्रीज़ होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा, है ना। इसका वेलोसिटी इंक्रीज़ हुआ यहाँ तक, फिर यहाँ से जैसे ही एक क्लाइम मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, इसका जो वेलोसिटी है धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा, और डिक्रीज़ होकर फिर क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। मतलब वो क्या बोला यहाँ से कि जितना हाइट स्टार्टिंग में है उतना ही हाइट को बॉल अटेन कर ले रहा है। फिर आगे देखते हैं, इसका एक्चुअली अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ थ्योरी है, आखिर बताना क्या चाह रहा है। स्टार्टिंग में क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, और फाइनली रेस्ट में आ रहा है, मतलब रेस्ट में था तो फिर रेस्ट में आ रहा है। समझ रहे हो बात को, कि स्टार्टिंग में यदि रेस्ट में है तो फिर वो फाइनल में भी क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, ठीक है। और जितना हाइट पे पहले था उतना ही हाइट को क्या कर लिया, वो अटेन कर लिया, फर्स्ट वन कंडीशन। अब ये क्या करता है, अब ये एंगल को चेंज, अब एंगल को थोड़ा चेंज करता है। देखो एंगल को चेंज किया, फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, चलो इसको फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, इधर का कुछ नहीं चेंज किया, एज इट इज़ है, लेफ्ट साइड एज इट इज़, राइट साइड में एंगल को चेंज कर दिया, एंगल को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, और हाइट को एज इट इज़ रखा। देखो यदि हम एंगल को रिड्यूस कर दें, एंगल को कम कर दें, और हाइट को सेम रखें, तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका, और वो डिस्टेंस देखो कुछ इतना दूर बढ़ गया, हाइट सेम है बट एंगल मेरा थोड़ा कम हो गया, एंगल को रिड्यूस कर दिए, तो एंगल रिड्यूस करने से इसका जो डिस्टेंस है, दिस वन पाथ विल इंक्रीज। इतना मान लो हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो भी क्या देखा वो साइंटिस्ट ने, देखा कि यदि हम इस बॉल को यहाँ से छोड़े, फिर उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, और फिर क्लाइंब का यहाँ से चढ़ेगा तो क्या होगा, उसका 100% वहाँ से वेलोसिटी उसका डिक्रीज होगा, बट उस जितना हाइट था उतना हाइट को अटेन करने के लिए उसको जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उससे ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ा। मतलब थोड़ा सा एंगल को चेंज करने से इस बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा उतना हाइट को अटेंड करने के लिए। मतलब क्या है कि ये बॉल जो है उतना हाइट को अटेंड करने की कोशिश कर रहा है, दिस वन बॉल इज़ ट्राइंग टू अटेन सेम हाइट, दिस इज द लॉ, समझना बात को, कि सेम हाइट को अटेंड करने की कोशिश कर रहा है, उसमें इनर्सिया है, मतलब समझो बात को। ये मतलब यहाँ पे थर्ड वर्क क्या किया, अब ये फाइनली क्या किया, और फिर एक और डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मतलब एंगल को थोड़ा और रिड्यूस कर दो, थोड़ा और रिड्यूस करेंगे तो इसका लेंथ और बढ़ जाएगा, और हाइट यदि में सेम रखें तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, या तो हाइट को भी थोड़ा तुम रिड्यूस कर दो, हाइट भी थोड़ा रिड्यूस करोगे तो देखो कुछ यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। तो बॉल जो है सो वहाँ तक पहुँच जाएगा तुम्हारा बॉल, ठीक है, लेकिन बॉल बाहर की तरफ गिर जाएगा, यदि हाइट को तुम सेम नहीं रखोगे तो बॉल बाहर की तरफ गिर जाएगा। इसलिए हाइट को हम लोग सेम रखते हैं, तो हाइट को यदि सेम रखेंगे और एंगल को रिड्यूस करते हैं, देखो यहाँ से ऐसे जाएगा कुछ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एंगल मेरा छोटा हो गया तो एंगल यहाँ से छोटा हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा, लेकिन बॉल जो है यहाँ से जैसे छोड़ेंगे बॉल हमारा यहाँ तक आएगा, जब तक सेम हाइट को अटेन नहीं कर लेता बॉल रुकने वाला नहीं है, ठीक है। ये तुम एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो,
ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो सेम हाइट को अटेंड करा, तो देखो स्टार्टिंग में लेंथ थोड़ा सा बढ़ा, फिर धीरे धीरे लेंथ बहुत बढ़ गया। मतलब लेंथ इसका मतलब तुम एंगल को चेंज करो, तो एंगल के को चेंज करने से जो है सो बॉल को सेम हाइट अटेंड करने में ज़्यादा लेंथ आई मीन ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है। दिस इज़ द कंसेप्ट, सेम हाइट को अटेंड करने की कोशिश कर रहा है और वो सेम हाइट को अटेंड करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या किया साइंटिस्ट, सो देखो अब एंगल को क्या किया, राइट साइड वाले एंगल को जीरो कर दिया। एंगल स्टार्टिंग में कुछ था, एज इट इज यहाँ रखा, फिर धीरे धीरे एंगल को पहले कम किया, फिर थोड़ा कम किया, अब एंगल को पूरा हटा दिया, मतलब जीरो डिग्री कर दिया। जीरो डिग्री करके पूरा इस पाथ को कुछ टाइप से बना दिया, फ्लैट कर दिया पूरा। अब बॉल को जैसे यहाँ से छोड़ता है, बॉल मेरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बॉल मेरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बॉल रुक ही नहीं रहा है यहाँ से, बॉल अब रुकेगा ही नहीं, बॉल नहीं रुक रहा है इसका पीछे। अब साइंटिस्ट सोच रहा है कि बॉल आखिर रुक क्यों नहीं रहा है, अब इसका मतलब क्या है, बॉल यहाँ पे रुक नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे, मतलब ये थ्योरी तो गलत हम लोग तुरंत कह सकते हैं कि गलत है, लेकिन हम यदि यहाँ पे बोलें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एग्जर्ट नहीं हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है, फिर एयर फ्रिक्शन भी उस पर एग्जर्ट नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स उस पर यदि एग्जर्ट नहीं हो रहा है तो बॉल 100% नहीं रुकने वाला है, ठीक है। वो यूनिफॉर्म मोशन के मतलब यूनिफॉर्मली मूव करता ही चला जाएगा, उसका मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब यहाँ से देखो स्टार्टिंग में यहाँ से आया, वेलोसिटी इसका धीरे धीरे इंक्रीज इंक्रीज होते होते इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता ही चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई इसको उसको मतलब हाइट नहीं मिल रहा है, यदि हाइट नहीं मिल रहा है तो उसका वेलोसिटी जो है सो इंक्रीज ही रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा उसका। इधर वेलोसिटी मतलब एज इट इज रहेगा, यहाँ से यहाँ के बाद वेलोसिटी इसका एज इट इज रहेगा और वो मूव करता ही रह जाएगा विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब इसके अपोजिट यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये रुकेगा ही नहीं। ये गैलीलियो का कहना है, गैलीलियो इसको प्रूव किया है, और चाहो तो तुम खुद भी सोच सकते हो कि यदि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ये तो मूव करता ही रहेगा। हम लोग जानते हैं कि यदि किसी बॉल को किसी भी बॉल को यदि हम फेंकते हैं तो बॉल तो कुछ देर में रुक जाता है, इसका वहाँ पे रीजन क्या है, वो बॉल रुकने का कारण है फ्रिक्शनल फोर्स, बट यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहा है ही नहीं, ठीक है। ये मतलब स्मूथ सरफेस है, वहाँ पे कोई तरह का एक्सटर्नल फोर्स उस पर मतलब उसका कोई अपोजिशन नहीं है, वहाँ पे कोई अपोज उसको नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तो वो रुकेगा ही नहीं, 100% नहीं रुकेगा। तो ये गैलीलियो का थ्योरी था। तो वो उसे क्या रिजल्ट निकाला इस पूरे ऑब्जर्वेशन से, वो रिजल्ट निकाला, वो बोला क्या, देखो इट इज़ द टेंडेंसी, मतलब इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या बोल रहा है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। यदि बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहता, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। दैट इज़ द थ्योरी, दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गैलीलियोज, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, स्टेट ऑफ मोशन में रहे या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। जब तक वो जब तक वाला बात तो किया ही नहीं कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, वो सिर्फ इतना बोल के चला गया कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, एक नाम है इनर्सिया, ओके दिस इज द इनर्सिया, जिसको बोलते हैं रिजिडिटी, तुम अपने लैंग्वेज में बोलो तो दिस इज द रिजिडिटी। कोई भी स्टूडेंट जैसे बदमाश होता है तो वो क्या है ना, अपने आप को बदमाशी मतलब चेंज नहीं करना चाहता, अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता, दैट इज़ द इनर्सिया, रिजिडिटी, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि यदि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ये मोशन में ही रह जाएगा, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट को हम इसे सरफेस पे यहाँ पे रख दें, वो बॉल तब तक वैसे ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मार दें। मान लो कोई बॉल है तुम्हारा फील्ड में रखा हुआ है, तो फील्ड में क्या वो अपने से मूव करना तो स्टार्ट करेगा नहीं जब तक उस पर कोई हीट नहीं करेगा, कोई किक नहीं करेगा, है ना। तो बॉल तब तक मूव नहीं करेगा ड्यू टू इनर्सिया, बिकॉज इनर्सिया, वहाँ पे उस पर इनर्सिया है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाह रहा, अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहा, बिकॉज रिजिडिटी, ओके। यही चीज़ है, वो मेन मोटिव को दे के चला गया गैलीलियोज, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये मूव तभी करेगा जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। यदि इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता तो क्या होता, तब मूव करता,
तो इनर्शिया का यदि तुम डेफिनेशन देना चाहो, इनर्शिया ये हम आगे लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे इनर्शिया का यूज, फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, वो मतलब यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली रेस्ट, मतलब यहाँ पे वही कंडीशन को तो बता रहा है कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा ऑब्जेक्ट या फिर यूनिफॉर्मली रेस्ट में रहेगा, कब तक? तो यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो व्हेन एवर, व्हेन एवर, व्हेन एवर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, मतलब तब तक वो रेस्ट में रहेगा या तो फिर मोशन में रहेगा जब जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट नहीं होता, दैट इज द इनर्सिया, दिस इज द इनर्सिया ऑफ, डेफिनेशन ऑफ इनर्सिया। तो इनर्सिया का डेफिनेशन क्या लिखोगे, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनर्सिया, ये आपको आगे काम आएगा, अभी आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको लॉज ऑफ मोशन उसमें फर्स्ट लॉ ही इनर्सिया है, मतलब लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते हैं उसको, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है, मतलब इसी का लॉज को वहाँ पे सपोज एक तरह से मान सकते हो कि अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन वो यहाँ पे ऐड कर दिया कि वेन एवर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है, थ्योरी में थोड़ा सा और भी बताया है कि वहाँ पे क्या बोल दिया है कि एक्सेलरेशन जो है वगैरह वगैरह, खैर हम आगे बताएंगे आपको। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट व्हेन एवर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, मतलब किसी भी बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक वो मूव करता रहता है या फिर रेस्ट में रहता है, यूनिफॉर्मली ऐड कर देना, मतलब यूनिफॉर्मली मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में या तो फिर यूनिफॉर्मली एट रेस्ट व्हेन एवर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक बॉडी मूव करता रहेगा या फिर रेस्ट में रहेगा, दिस इज द इनर्सिया, दिस इज द इनर्सिया, ओके। अब नेक्स्ट जब हम लोग इनर्सिया का टाइप का बात करेंगे तो तीन तरह का होता है, वो भी नहीं होता तो डिस्कस इसी में कर देता हूँ, इनर्सिया तीन तरह का होता है, देर आर थ्री टाइप ऑफ इनर्सिया, देर आर थ्री टाइप ऑफ इनर्सिया, फर्स्ट वन इनर्सिया ऑफ मोशन, सेकेंड वन इनर्सिया ऑफ रेस्ट, दोनों तो यहीं से मिल रहा है आपको, मोशन रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, एंड थर्ड वन इज द इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ये गैलीलियो का दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये सब न्यूटन देके गया है, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब क्या है ना, वो सिंपल इनर्सिया के बारे में पता के चला गया, बट यहाँ पे ये इनर्सिया को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया न्यूटन, न्यूटन आकर के इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, तो इनर्सिया ऑफ मोशन मतलब समझ गए आप कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन व्हेन एवर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, है ना, अथवा अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, ये हो गया डेफिनेशन किसका, इनर्सिया ऑफ मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म मोशन में है तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है इनर्सिया ऑफ मोशन का। फिर इनर्सिया ऑफ रेस्ट के बारे में बात करें तो बस यहाँ पे क्या करो, इस मोशन को हटा दो, रेस्ट रखो, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन एवर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक मतलब कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो, कोई भी टेबल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब जब तक तुम उस पर हीट नहीं करोगे, जब तक उसको कैच उठाओगे नहीं तब तक वो मूव करेगा कहाँ, यहाँ से यदि इस पर फोर्स लाएंगे तभी तो मूव करेगा, अदरवाइज तो मूव नहीं करेगा, एज इट इज जैसे का तैसे रखा रह जाएगा उसको, जैसे का तैसे वो ज़िंदगी भर रह जाएगा, ठीक है, तो दिस इज द इनर्सिया ऑफ रेस्ट। और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे देखो एक बॉल है इधर मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में ना जाएगा भाई, मान लो तुम क्रिकेट ही खेलते हो तो क्रिकेट में बॉल हिट मतलब बॉल को क्रिकेट बॉलिंग कर रहे हो तो जब बॉलिंग करते हो तो बॉल जो है ऐसा थोड़ी है कि नॉर्थ डायरेक्शन में तुम फेंकोगे तो साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं, लेकिन हाँ जब बल्ला से उस पर जब फोर्स लगा करके हिट करके मतलब बॉल से फोर्स लगाए उस पर तो फोर्स लगेगा तो 100% उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कब, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, ठीक है, तो डायरेक्शन उसका चेंज होगा कब, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज नहीं होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका भी यदि डेफिनेशन देना चाहो तो दे सकते हो, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट एज वेल एज डायरेक्शन, साथ भी लिख देख सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ो, मोशन और रेस्ट को हटा दो, डायरेक्शन को रख दो, तो क्या लिखोगे, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, दैट्स ऑल, है ना, वेन एवर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका डायरेक्शन भी हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है, आप एग्जांपल रीड कर सकते हो बुक से कहीं भी, यदि एग्जांपल समझ में नहीं आया तो आप हमको पूछ सकते हो, ठीक है, तो ये सब है, ये सब खुद से आप एग्जांपल बना सकते हो, इसके लिए बहुत आपको बहुत सारा एग्जाम्पल खुद बनाने लायक है ये, इनसे आप समझ गए हो, यदि इस थ्योरी को यदि आप समझ गए तो आप इस तरह का एग्जाम्पल बहुत बना सकते हो, ठीक है, और ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ही कहलाता है, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो आप समझ गए, मतलब इसको यदि समझ गए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ही तो है ये, लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते हैं इसको, न्यूटन फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्सिया, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।